आज स्थिति में आई थी, सेलाइन पर चल रहा था और आज दीदी के भाई लोग इतना लूटने लगे हैं, वो सेलाइन में भी चलने वाला नहीं है, आईसीयू में चला गया। इसलिए जूट इंडस्ट्री में लाखों लोग काम करने वाले हैं, लाखों परिवार उससे गुजारा होती है, आज इतने लोगों का भविष्य अंधेरे में है, इसलिए बंगाल की जो अर्थनीति हो वो भी कमजोर हो चुकी है। त्योहार पर्व आता है तो इतने सारे परिवार हताशा में डूब जाते हैं कि क्या करेंगे हम। उद्योग बसाने वाले लोगों का मार पीट खून होता है। एक डेढ़ साल पहले समाचार आया था हबड़ा में ही एक कारखाना का मालिक को कारखाने के अंदर खंबे में बांध करके केरासिन डाल करके जलाया गया। आप बोलिए इसके बाद कौन आएगा यहाँ बिजनेस करने का काम कराने, जान के जान माल के माल सब जाएगा। इस प्रकार वातावरण में यह राजनीति केवल पनप रही और कुछ नहीं है, वो भी थोड़े नेताओं का। आप उसका प्रतिवाद करेंगे, विरोध करेंगे, आपके ऊपर चार केस डाला जाएगा, आपको पकड़ करके जेल में ठूसा जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर 28,000 से भी ज्यादा केसेस हैं। के लिए घूमते घूमते चले गए अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पता नहीं कहां से सैकड़ों लोग आ गए, घेर लिया हम लोगों को और नाराबाजी मारपीट चेयर टेबल तोड़ दिए। भगवान जाने कहां किस राज्य में हम रह रहे हैं। एक आदमी बाहर घूम नहीं सकता, रास्ते में चाय नहीं पी सकता, क्योंकि क्या गुनाह है, मैं बीजेपी करता हूं। केवल टीएमसी करेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, कमाई उगाई सब। लेकिन आप दूसरा पार्टी करेंगे, आपको जीने का तक अधिकार नहीं है। आज के लिए लड़ना है, कहां तक लड़ना है, हम लड़ेंगे। मुझे बुलाया, आसन रहने का मौका दिया, सुना, सम्मानित किया, इसलिए सबको मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भारत विधायक हो या कर्मी हो, कोई कहीं सुरक्षित नहीं है, इस पर क्या कहना है। देखिए बंगाल में कानून व्यवस्था पूरा टूट चुकी है, पुलिस ऑफिसरों का आज सम्मान नहीं है। यहाँ के पुलिस अफसर उर्दी पहन करके दीदी की पैर छूते हैं तब उनको प्रमोशन मिलता है और पोस्टिंग मिलता है। इस प्रकार जो ऑफिसर हैं इनको आगे चढ़ाया जा रहा है, इसलिए कानून व्यवस्था की ये हाल है। और ये चाह रहे हैं कि तानाशाह चला करके यहाँ बीजेपी को रोकेंगे, हम लोगों का अत्याचार करके हमको रोकेंगे, ये संभव नहीं है। देश भर में जैसा परिवर्तन हुआ है, बंगाल में भी परिवर्तन होगा। चलिए दीदी के बोलो जो अभियान हो, उसके बाद दादा के बोलो अभियान, इस पर बीजेपी टीएमसी का कहना है कि ये जो है सब राजनीति कर रहे हैं, देखा देखी, इस पर क्या कहना है। दीदी चाय बना रही है, वो किसका ब्रांड है। हम लोग ने पहले शुरू किया लोगों से बात करना, घर घर जा करके, और वो तो फोन से बात कर, किसी को कोई जवाब नहीं मिलता है, कोई समाधान नहीं, केवल ड्रामा होता है। इसलिए लोग इससे भी परेशान है, उनके कार्यकर्ता भी नहीं जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए भेजा गया गांव में, लोग देखते ही पहले काटमानी मांगते हैं उनसे, पहले वापसी करो, वो भी जाना बंद कर दिए। इसलिए इतना चोरी किए हैं, लोगों के सामने खड़ा होने की उनकी हिम्मत नहीं है। आपने कहा कि पीओके में तिरंगा फहराया जाएगा, कब तक? देखिए अगले और स्वतंत्रता दिवस तक हो जाएगा।